अस्सलामुअलैकुम जनाब, एक नए वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान अशराफ काजी रेडियो वाला, अशराफ रेडियो वाला चैनल से हाजिर खिदमत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जनाब हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं रेडियो जाने के लिए। ये रेडियो का व्लॉग है और जिसमें हम आपको बताएंगे रेडियो और रोज़ एफ एम 90 के स्टूडियोज़ दिखाएंगे आपको। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे वीडियो देखिएगा। और जी, इस वक्त हम रेडियो पहुंच चुके हैं और रेडियो में इंटरव्यू होने लगे हैं। रेडियो व्लॉग है और यकीनन आपको ये पसंद आएगा। और रेडियो में हम अभी पहुंचे हैं, तो सबसे पहले रेडियो में आए तो पहले हाजिरी लगानी पड़ती है। हाजिरी बहुत ज़रूरी होती है, वरना पता ही नहीं चलता कि लोग यहाँ पर आए भी हैं या नहीं आए, इसलिए हाजिरी ज़रूरी है। और जी, हम फाइनली ये ऑफिस है और ऑफिस देख सकते हैं, न्यूज ऑफिस, मार्केटिंग ऑफिस। और ये ऑफिस है, ये एडमिन ऑफिस है। और एडमिन ऑफिस में आप देख सकते हैं इस वक्त तो जाहिर बात है सुबह सुबह हम लोग ही पहुंचते हैं, और एडमिन वगैरह तो थोड़ा लेट ही पहुंचते हैं, हमें पहले पहुंचना होगा। तो ये एडमिन ऑफिस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोज एफ एम 90 का ये ऑफिस है जो हम आपको दिखा रहे हैं सामने सामने। और यहाँ पे ये हॉल है जो कि मीटिंग हॉल, वेटिंग हॉल, और ये पूरे का पूरा जो है ना ये हॉल है रोज़ एफ एम 90 का। अक्सर का हम यहाँ पे बैठ के मीटिंग्स वगैरह करते हैं, और अगर मैं अच्छा काम ना करूँ तो बिस्ती वगैरह भी यहाँ पर ही बैठ के सर हमें सुनाते होते हैं। और वैसे ये है कि ये खूबसूरत सा हॉल है, आप देख सकते हैं पीछे एक मेन लोगो लगा हुआ है और वेलकम टू रोज़ एफ एम 90 नेटवर्क। और अभी हम आपको दिखाते हैं जी रोज़ एफ एम 90 का जो ऑफिस है। और ऑफिस से पहले बल्कि मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि हम लोग अक्सर औकात देखते हैं, सुनते हैं कि रेडियो पे क्या चल रहा है। जहरी बात है कि अंदर तो रेडियो चल रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि रेडियो पे क्या चल रहा है, तो वो हम कहाँ पे देखते हैं। ये है जी एक मॉनिटर, और जहाँ पे हम सुनते हैं कि रेडियो पे इस वक्त क्या प्ले हो रहा है, आया कि क्वार्ट देख अच्छे गाने प्ले कर रहे हैं या नहीं प्ले कर रहे, और सब कुछ यहाँ पे प्रोग्राम कैसा हो रहा है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। और अभी ये अकाउंट्स ऑफिस, ये छोटा मोटा अकाउंट्स ऑफिस है जहाँ पे अकाउंट्स का काम किया जाता है, और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा, मीरपुर का बहुत प्यारा व्यू नजर आता है। आप देखें कि यहाँ पे रोड और उसके बाद पूरे मीरपुर का बहुत अच्छा व्यू नजर आता है यहाँ से बिल्कुल। और अभी हम चलते हैं जी जो मेन हमारा स्टूडियो है, स्टूडियो की तरफ चले गए और आपको हम दिखाएंगे हमारा जो मेन स्टूडियो है और वो कैसा है। आए जी, लेट्स गो। तो ये मेन स्टूडियो है जी, और ये रोज एफ एम 90 का स्टूडियो है। यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम्स होते हैं, जो लाइव प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे यहाँ पर बैठ के होते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि चेयर्स लगी हुई है मेहमानों के लिए, और यहाँ पर जो मेन ट्रांसमिशन चल रही है वो भी आपके सामने है। और यहाँ पर ये जो सीट है ये इसको हॉट सीट कहते हैं, और यहाँ पे बैठ के लोग प्रोग्राम्स करते हैं, यहाँ पे बैठ के बातचीत करते हैं। और अभी अभी प्रोग्राम खत्म हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त बैक टू बैक जो चल रहा है, ये तीन यहाँ पर लगे हुए सिस्टम्स जो कि हम ऑपरेट करते हैं। एक जो आरजे होता है, जो प्रेजेंटर होता है, वो यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम करता है। पीछे लोगो भी आप देख सकते हैं, और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के खूबसूरत से झंडे यहाँ पर मौजूद हैं।
तो बिल्कुल जनाब, आप सुनते होंगे यहाँ पर काफी प्रेजेंटर्स को, रोज एफएम 90 के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रेजेंटर्स यहाँ पर मौजूद। इस तरह आपको मैं बताऊं कि अगर नाम लूं कि लाला फारूक जो कि पहचान है रोज एफएम 90 की, और लाला फारूक जो कि पहाड़ी जुबान में अपनी मादरी जुबान में प्रोग्राम करते हैं और बहुत इंटरटेन करते हैं मीरपुर के जितने भी लोग हैं, रोज एफएम 90 के जितने भी चाहने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वो लाला फारूक के नाम से जरूर जानते होंगे रोज एफएम 90 को, और लाला फारूक को जानते होंगे रोज एफएम 90 के नाम से। क्योंकि ये वो क्या कहते हैं कि ऐसे चीजें हैं कि जिनका बड़ा गहरा रिश्ता है, और बाद लोगों से बात की जाए रोज एफएम 90 की तो वो कहते हैं कि अच्छा वो लाला फारूक जहाँ पे काम करते हैं, लाला फारूक जहाँ पे होते हैं, ठीक है, और मिठिया गला जहाँ पे करते हैं। बिल्कुल जनाब, लाला फारूक के नाम से आप बखूबी वाकुफ होंगे। उसके बाद मिस्टर रेडियो जो कि एक जाना पहचाना नाम है रोज एफएम 90 का। तो जनाब, अब फाइनली हम चलते हैं मेरा ऑफिस, जो कि पर्सनली मेरा ऑफिस है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। वैसे तो वो भी वहाँ पर बैठ के मैं भी काम करता हूँ, लेकिन ये जो ऑफिस है ये प्रोडक्शन ऑफिस है, और यहाँ पर चलते हैं जहाँ पर मैं बैठ के कमर्शियल्स वगैरह क्रिएट करता हूँ, प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, और ये यहाँ पर आ गए। तो ये है जी ऑफिस, और यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, और जो भी कमर्शियल्स वगैरह बनते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग आप सुनते हैं, जो भी आप कमर्शियल सुनते हैं, जो भी आप प्रोग्राम सुनते हैं, वो प्रोग्राम जो होते हैं वो यहाँ पर पहले रिकॉर्ड होते हैं, और उसके बाद आरजे ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग के बाद वो स्टूडियो में पहुँचता है, और जो कमर्शियल्स वगैरह आप सुनते हैं, आवाज़ में कमर्शियल्स होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो सारी यहाँ पर होती हैं, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स वगैरह की जाती है। ये है जी ऑफिस। तो बिल्कुल जनाब, ये था रेडियो का व्लॉग, और जो कि आपको जरूर पसंद आया होगा, और मजीद वीडियोस और अपडेट्स देखते रहिए अशराफ रेडियो वाला के यूट्यूब चैनल से, और जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और यकीनन ये जो व्लॉग है आपको जरूर पसंद आया। तो रेडियो में जितने भी चाहने वाले, जितने भी सुनने वाले हैं, उनको ये व्लॉग जरूर पसंद आएगा, और मजीद हम नेक्स्ट जो व्लॉग्स हैं उसमें लेके आएंगे, कुछ प्रेजेंटर्स को भी लेके आएंगे, और रेडियो के जो बैकवर्ड पे काम करने वाले लोग होते हैं उनको भी हम जरूर लेके आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।